नमस्कार, हम मौजूद हैं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर। यहाँ पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नागरिकता कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें से एक पीड़ित के की पत्नी, मोहम्मद शफीक की पत्नी रानी जी मौजूद हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें जो है अब तक कम से कम 18 लोग मारे जा चुके हैं। उसमें से अधिकतर लोगों की मौत गोली से हुई है और उनके परिजनों और रिश्तेदारों का आरोप है कि इन लोगों की मौत पुलिस की गोलीबारी में हुई है। तो आज हम रानी जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पति के साथ क्या हुआ और वह पूरा मामला हमको समझाएंगी। तो आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, आपका घर कहाँ पे, आप कहाँ के रहने वाली हैं? फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। नैनी किला चौराहे पे हमारा घर है। काम करने गए थे, काम करके आ रहे थे। मैंने 4 बजे के टाइम पे माँ को जब बात हुई पुलिस वालों की, जीप जिप्सी खड़ी थी, उसी में ही 2 लड़कों की गाड़ियाँ गिरा दी और उसी बीच फायरिंग हुई। गोली इतनी चली जी, काम करके आ रहे थे तो गोली सीधी गोली दिमाग पे मारी। बहुत महंगी गिर गए वो, कोई उठाने वाला भी नहीं था। वहाँ से उठा के लेके गए, वहाँ देवल लेके गया था। जब लेके गया वो वहाँ पर ट्रामा हॉस्पिटल, तो वहाँ से रेफर कर दिया आगरा के लिए। आगरा के डॉक्टरों ने भी लेने से मना कर दिया। पुलिस के ऐसे हम नहीं लेंगे, सब में भागते फिर रहे थे, कोई ले नहीं रहा था। कुछ लोग मौजूद थे वहाँ के आगरा के, जिन्होंने हमारी मदद करी और ज़बरदस्ती डीजी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। लेकिन वहाँ पे कोई देखभाल नहीं हुई हमारे आदमी की, वहाँ से रेफर कर दिया। हम यहाँ पे लेके आए सफदरजंग हॉस्पिटल में, यहाँ पर कह रहे हैं बहुत सीरियस हालत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा आदमी चाहिए बस। उनकी चाहती हूँ मैं सलामती वो सही हो जाए, उन्हें अच्छे से स्पेशली दिमाग का डॉक्टर चाहिए। वो बहुत परेशान है, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। एक बच्ची है मेरी और उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे आदमी के सिवा सहारा। मेरी एक लड़की है 13 साल की और उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा ये आदमी मेरा सब कुछ है, मुझे उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं पुलिस से सबसे, दिल्ली की पुलिस से सबसे यही चाहती हूँ, मेरे आदमी की से बढ़िया वो हो, इलाज हो उनका। हमारे साथ मोहम्मद शफीक के रिश्तेदार जो हैं, ये मोहम्मद शकील जी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद शफीक के साथ जो कुछ हुआ? गलत हुआ है। आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आम आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, हमारे को अभी पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हुई, हम रहते हैं द्वारका में, तो अब काम वाले आदमी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इधर की उधर की बातें सोचें। लेकिन हमें जैसे तुरंत मैसेज मिला इनका कि ऐसे ऐसे चोट लगी उनकी, ऐसी बात है, क्योंकि हमारे पास वहाँ नहीं पहुँच सके तो हमारे इनको रेफर यहाँ किया गया सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो हम तुरंत इनके पास अभी आए हैं। तो हम यही चाहते हैं जी, जो इनकी जो हस्बैंड है उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल हो, ट्रीटमेंट अच्छा हो, और जिन्होंने ये गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो आप कैसे देखते हैं कि वो क्या, जैसे कि प्रदर्शन में अगर शामिल हुए या नहीं हुए, आपको कुछ पता है इसके बारे में? देखिए जी, मजदूर आदमी प्रदर्शन में कहाँ जाएगा? मजदूर को तो अपनी रोटी कमाने से मतलब है, अब रोटी बच्चों की रोटी कमाएगा या दंगे फसाद में जाएगा? हम लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है? काम धंधे वाले आदमी हम अपने बच्चों को देखें या काम दंगे फसाद में जाएं, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। अब ये मेरे साली के जो हस्बैंड हैं, ये अपने काम पे से आ रहे हैं, ठीक है, अब उनको क्या पता अचानक क्या भगदड़ भीड़ भाड़ आ रही है। वो तो अपने सीधे आ रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। वो बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो सीधा अपने घर जा रहा था, काम पे जा रहा था, और उसके साथ ऐसे ऐसा हरकत होगी। जिसने भी किया है, आप जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, जांच तो होनी चाहिए, इस चीज़ की जांच तो होनी चाहिए जी। इसकी नहीं, हर इंसान की जांच होनी चाहिए। जो गलत कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो यह दुर्घटना होने के बाद उनके साथ, उनको जब गोली लगी, वो तब से जब अस्पताल में भर्ती हैं, क्या उसके बाद आपकी उनसे बात हुई है, उनको होश आया है क्या? ना बात हुई है ना होश आया है, कुछ भी नहीं है अभी, बस वो मशीन उसमें ही है और कुछ बात नहीं हो पा रही है इनसे। बस मशीन के उससे ही, वेंटिलेटर से उससे ही बस सांसें चल रही हैं उनकी। उसमें बता रहे हैं कि गोली उसमें घूम गई है,
फूट टूट के उसी में ब्याज में बिखर गई है और सीरियस हालत है और उनकी बचने के चांस बचाना बहुत मुश्किल है, मुझे ये बता रहे हैं डॉक्टर। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, ना बोलते हैं वो और ना कुछ, बस एक बार पट्टी हो गई थी, अच्छी से अच्छी उनकी देखभाल हो और स्पेशल से स्पेशल डॉक्टर उनके लिए यहाँ पर आए, बस मुझे यही चाहिए सबसे अच्छे से अच्छे यहाँ पर उनका इलाज हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर उनको देखे। वहाँ पर सब यही कह रहे थे कंपाउंडर और सब के अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी आ रहे हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कब आएंगे डॉक्टर, इतनी सीरियस हालत में मौत से लड़ना है और डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे वहाँ पर। देखते देखते 2-3 बजे के टाइम पे डॉक्टरों ने देखा वहाँ पर आके। तो आपके परिवार में आपकी एक बच्ची है? एक बेटी है मेरी बस, और मेरा मेरे आदमी के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, मजदूरी करते हैं वो कारखाने में, चूड़ी के कारखाने में चूड़ी का काम करके आ रहे थे और कुछ ना बोल पाते और ना ही कोई हो जा रहा, उन्हें मशीन से बस हाथ पैर चल जाते हैं। डॉक्टर से जब से मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, स्पेशल डॉक्टर चाहिए उनके लिए, मैं उनके लिए स्पेशल से स्पेशल डॉक्टर, हर चीज़ की उनके लिए सुविधा होनी चाहिए, हर चीज़ की कोई किसी चीज़ में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम अपनी मजदूरी, मजदूर हमारा आदमी है, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो जैसे कि आपके पति के साथ ये हादसा हुआ, इसके साथ क्या आपको और भी जानकारी है कि किसी और के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो फिरोजाबाद में जिसकी आपको जानकारी हो? 4 लड़के 7 लड़के आए थे घायल हो गए, जिसमें कि 4 इमरजेंसी में करवाए थे ज़बरदस्ती भर्ती और 3 जीजी हॉस्पिटल में करवाए थे, एक मेरे हस्बैंड और 2 और उनकी, एक की रीढ़ की हड्डी में गोली है, कंधे में गोली है और बाएं में गोली है और एक के गले में यहाँ से गोली यहाँ गाल पर फंसी हुई है, वो उसकी भी अभी निकाली नहीं गई है, उसे भी रेफर यहीं दिल्ली के लिए करा कर जा रहे हैं, आज आने वाले हैं वो। किसी ठेले वाले को भी क्या गोली लगी थी? एक ठेले वाला अपने तोड़े भर के ले जा रहा था तो उसके पेट में गोली लगी है, तो वो ठेला लेके समीत ही गिर गया, तो उसे लगा कि मेरे मतलब चूड़ी के कांच घुसे हुए हैं, लेकिन जब उसको देगा तो उसके पेट में गोली थी, उसका ठेला समीत पलट गया था और उसके पेट में गोली थी। वहाँ रहने में अभी डर लग रहा था लोगों को, ऐसा लग रहा था यहाँ पे हम महफूज नहीं हैं, यहाँ से कहीं और जाएं, महफूज नहीं था फिरोजाबाद, तो इसलिए वहाँ पर सब लोग डरे हुए थे, बहुत मतलब गंभीर हालत रही है 2 दिन तक वहाँ पर, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे लोग, घरों के गेट खोल के बाहर नहीं निकले वहाँ से 2 दिन तक तो, और अभी की कुछ पता नहीं है क्योंकि मुझे कुछ अपने हस्बैंड के अलावा कुछ पता नहीं है वहाँ का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 2 दिन तक की मुझे खबर है कि वहाँ पर स्थिति ऐसी थी, वहाँ से हमारे घर परिवार वाले ना हमसे मिलने आ सकते और ना हमारे वहाँ से कोई उनको बुला के ला सकता जा सकता, अभी तक हमारे पास कोई नहीं है। मैं एम्बुलेंस में अपने एक देवर के साथ आई हूँ यहाँ पर, अभी तक हमारे यहाँ पर कोई आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी और जो हमारे साथ थे गए थे तो वहाँ पर उनको रोक दिया गया था, फिरोजाबाद में घुसने से वापस लौटा दिया गया था, इतनी बुरी हालत है फिरोजाबाद की। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।